Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, who is most beneficent, the most gracious, and the most merciful. Myself, Bisma Tanveer, and I am here to present on the topic of DNA and ribosome. Firstly, I will discuss about the topic of introduction of DNA. DNA hota kya, isko kisne introduce karwaya? DNA double helical structure, jisko Watson and Crick ne 1953 mein introduce karwaya. Helical spring-like structure. तो इस डायग्राम में हम इसका हेलिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है फॉर देयर डेवलपमेंट एंड फॉर देयर रिप्रोडक्शन. ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो हर सेल में पाई जाती हैं, जो टाइम टू टाइम जो है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पास होती रहती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है. ये टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है जो कि आपस में ट्विस्टेड होती हैं. इसका जो अपर पोर्शन होता है वो फॉस्फेट और शुगर ग्रुप से बना होता है, जबकि इसके दरमियान जो रंग्स होते हैं वो नाइट्रोजीनियस बेस से बने होते हैं. यानी कि अगर इस डायग्राम में देखें तो इसका जो वर्टिकल पोर्शन है वो फॉस्फेट से बना हुआ है और फॉस्फेट से और शुगर से बना हुआ है, जिसके दरमियान जो हॉरिजेंटल पोर्शन है वो नाइट्रोजीनियस बेस से बना हुआ है. उसके बाद जो है इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन. एडिनिन जो है वो हमेशा पेयर बनाता है थायमिन के साथ और साइटोसिन जो है हमेशा पेयर बनाता है गुआनिन के साथ. एडिनिन और थायमिन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड होता है और इसको हम प्योरिन्स भी कहते हैं. और जो साइटोसिन है और गुआनिन है इनके दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिन्हें हम पायरिमिडीन भी कहते हैं. इसके बाद डीएनए के जो है डिफरेंट डिस्टेंसेज बताए हुए हैं. अगर डीएनए के टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रम का होता है, और एक कंप्लीट टर्न के दरमियान जो इसका डिस्टेंस होता है, यानी ये जो इसका कंप्लीट टर्न है उसके अगर हम डिस्टेंस देखें तो उसका 34 एंगस्ट्रम डिस्टेंस होगा. तो इसी तरह अगर ईच न्यूक्लियोटाइड को हम देखें तो ईच न्यूक्लियोटाइड जो है 3.4 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस जो है वो ऑक्यूपाइज करेगा. अगर हम 34 का 3.4 से डिवाइड करें तो एज ए रिजल्ट 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो एक कम्प्लीट टर्न में मौजूद होंगे. इसके बाद एक चारग्राफ रूल आया. चारग्राफ रूल क्या कहता है कि वो कहता है कि एडिनिन की जो इक्वल अमाउंट होगी वो हमेशा इक्वल होगी थायमिन के अमाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एडिनिन जो है हमेशा पेयर बनाता है थायमिन के साथ और साइटोसिन जो है हमेशा उसकी अमाउंट जो होगी हमेशा इक्वल होगी गुआनिन के साथ, क्योंकि वो हमेशा पेयर बनाता है साइटोसिन के साथ. उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, इसका फर्स्ट फंक्शन जो है वो है रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन होता क्या है कि जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं. इसके थ्री स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप है अनजिप. डीएनए जो है वो अपना डबल स्ट्रैंड जो स्ट्रक्चर है वो अनजिप करता है और एज ए रिजल्ट इसके टू स्ट्रैंड्स बनते हैं. जो टू स्ट्रैंड्स, जब ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं तो जिसका जो टू स्ट्रैंड्स बनते हैं वो वाई शेप फॉर्क देते हैं, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं. ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो एज अ टेम्पलेट यूज होता है फॉर मेकिंग न्यू मोर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. जब इसका जो एक स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेशन फॉर्क के टूवर्ड्स होता है, यानी कि उसकी तरफ होता है उसको हम, और ये 3 to 5 डायरेक्शन में होता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. और जो इसका सेकंड स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर होता है उसको हम 5 to 3 डायरेक्शन पर होता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं. इसका जो सेकंड फंक्शन है वो है जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन होता क्या है? डीएनए में जो मौजूद हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको ये इंस्ट्रक्शंस पर कन्वर्ट कर देता है और ताकि न्यू प्रोटीन्स बना सके, उसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं. जीन एक्सप्रेशन एक टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है जो कि सेल को अलाउ करता है कि वो इन्वायरमेंट में मूव कर सके. ये बहुत ऑन और ऑफ स्विच के तौर पर कंट्रोल करता है, यानी कि जब प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन को ये इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है. उसके बाद आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जीन में मौजूद जब डीएनए जो है वो कॉपीड होकर आरएनए प्रोड्यूस करता है तो ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक एंजाइम करता है, उसको आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है. उसके बाद है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को ट्रांसलेट करके अमीनो एसिड के सीक्वेंस के पर ट्रांसलेट करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. जब मैसेंजर आरएनए अपना ट्रांसक्रिप्टेड मैसेज जो है वो डीएनए से कैरियर कर लेता है तो ये मैसेज जो है वो एक कैरियर मॉलिक्यूल रीड करता है, उसको हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं.
उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है वो एक ही वक्त पर 3 लेटर्स को रीड कर सकता है। अगर हम कोडोन की बात करें तो हर कोडोन का जो है अपना एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है। फॉर एग्जांपल 3 बेसिस कोडोन GGU, इसका जो कोडोन हो इसका जो कोड होगा अमीनो एसिड के लिए उसको हम ग्लाइसिन कहेंगे। उसके बाद यूजेस ऑफ डीएनए, डीएनए के मल्टीपल यूजेस हैं। इसका मेडिकल फील्ड में डायग्नोस्टिक के तौर पर यूज होता है, प्रोटेक्शन ऑफ वैक्सीन और प्रोटीन थेरापी यानी कि ह्यूमन इंसुलिन में ये यूज होता है। जैसे कि पीसीआर, पीसीआर एक इम्पॉर्टेंट यूज है, ये भी डायग्नोस्टिक टेस्ट पे यूज होता है। पीसीआर में जो है वो डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज कर लेता है करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये एज एविडेंस इन कोर्ट में यूज होगा, यानी कि क्राइम केसेस में होगा। ह्यूमन आइडेंटिटी में भी डीएनए बहुत यूज होता है। ब्लड ट्रैक, ब्लड रिलेटिव, इसमें भी डीएनए यूज होता है। उसके बाद है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की इंट्रोडक्शन, इसकी डिस्कवरी। आरएनए को डिस्कवर किया फ्रेडरिक मेसन ने 1868 में। ये एक पॉलीमेरिक न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है जो कि कोडिंग, नॉन कोडिंग और रेगुलेशन इसमें एसेंशियल है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचर में ये एज अ सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है और सेल्स में ये एक एक्टिव रोल प्ले करता है रिएक्शंस को कैटालाइज करके। इसका जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटीन्स की सिंथेसिस, यूनिवर्सल फंक्शन भी है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए जो है वो रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है जस्ट लाइक डीएनए। आरएनए में भी 3 पार्ट्स होते हैं जस्ट लाइक डीएनए। आरएनए में जो शुगर होती है उसको राइबोस कहते हैं, और इसमें जो है वो नाइट्रोजिनस बेस यूरेसिल यूज होती है थायमिन 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 की जगह। डीएनए में जो है थायमिन यूज होती थी, इधर यूरेसिल यूज होती है। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, इसमें यूरेसिल जो है वो बाइंड होता है एडिनिन के साथ। अगर हम इसकी टाइप्स की देखें तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है मैसेंजर आरएनए, और इसका यूज है कि ये टेम्पलेट के तौर पे यूज होता है प्रोटीन बनाने में। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स बनाता है, और ट्रांसफर आरएनए इसके थर्ड टाइप है जो कि अमीनो एसिड को मैच करता है मैसेंजर आरएनए से और ये प्रोटीन बनाने में फिर मदद देता है। उसके बाद इसके यूजेस, इसके भी मल्टीपल यूजेस हैं कि ये डाइजेस्टिव हेल्थ पोर्ट में देता है मदद, और इंजरी मैनेजमेंट में भी इसका अहम, और ये क्या कहते हैं एजिंग सपोर्ट में भी ये यूज होता है। उसके बाद रिप्लिकेशंस को ये ब्लॉक कर देता है। दिस इज ऑल एंड।